राम सारे भैया ने मैं थरा देसी पत्रकार अजीत और आप देख रहे हरियाणा धमाका चैनल। दोस्तों आज चांदनी बाग थाना पानीपत में एक वरिष्ठ नागरिक यानी कि फैक्ट्रियों के मालिक बड़े बड़े लोगों की पुलिस के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये बताया गया है कि जो पुराने अंग्रेजों के टाइम के कानून थे वो कुछ रद्द हुए हैं, कुछ नए कानून बने हैं, उनके बारे में उनको इस बारे में अवगत कराया है। उसमें अपने SHO मौजूद थे और DSP साहब पानीपत के एट प्रेजेंट जो है वो मौजूद थे। उसमें कुछ खामियां पुलिस में निकाली गई है, कुछ पब्लिक में निकाली गई है, तो कुछ वरिष्ठ जो अपने नागरिक थे उन्होंने पुलिस की छवि जो पब्लिक की नज़रों में धूमल हो चुकी है उस बारे में बताया है। उधर पुलिस ने भी उनके जवाबों का साथ के साथ जवाब देते रहे। इसमें कई जैसे पालीवाल थे वो भी मौजूद थे और काफ़ी बड़े बड़े नेता थे जैसे तायल है, ओमोसिस वाले हैं, जितने भी थे बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक वो सब उस मीटिंग में शामिल हुए हैं। उसमें पुलिस की प्रति ये भी बताया गया है उन वरिष्ठ नागरिकों ने कि आप हर जगह हर जो धार्मिक संस्थान है वहाँ जा कर के मीटिंग कर करके अपने बारे में अपनी जो आपकी छवि धूमिल है उसको ठीक करें ताकि लोगों की नज़रों में आपकी जो छवि ठीक हो जाए। और उस बारे में बताया गया कि मतलब पुलिस ने कहा कि आप हमें मिलें, हमें सीधा संपर्क करें, पुलिस आपके सहयोग के लिए है, आपकी सहायता के लिए है, आप 24 घंटे किसी भी टाइम आ सकते हैं। एक और बात DSP साहब ने बताया है कि अब थाने में जाकर FIR दर्ज नहीं करानी, आप घर से भी अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट थाने में दर्ज करा सकते हैं ताकि 48 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी उस जो आपने FIR लॉज कराई है उसका आपको जवाब मिल सके। और काफ़ी जानकारियां दी हैं। जब पुलिस ने भी कहा कि हम स्कूलों में भी बच्चों को भी अवगत कराएंगे, नशा मुक्त भी कराएंगे, नशे के बारे में भी बताएंगे, सब बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में भी बताएंगे, बच्चों को शिक्षा के बारे में भी ज्ञान देंगे, ये सब बताया है। इस बारे में वरिष्ठ नागरिकों ने भी कहा है कि जी आप अपना है ना पूरा सहयोग दो। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि हम पूरा सहयोग देंगे हर प्रकार से। आप SHO साहब DSP साहब ने बताया कि आप किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे मुझसे या SHO किसी भी थाने का SHO हो उसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कहीं रास्ते में अपने आप परेशान होते रहें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा पुलिस के पास जाइए, आपको तुरंत जाते ही काम होगा। और कुछ नए कानूनों के बारे में भी अवगत कराया गया। अगर जो किसी भाई ने नए कानून के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो अपने नज़दीक के थाने में जा सकते हैं ताकि थाने में जाने के बाद कोई भी SHO आपको धमकाएगा नहीं, कोई पुलिस वाला आपको उससे कुछ नहीं करेगा, आपको सीधा जाओ, आपको बिल्कुल सिस्टम से बिठाएंगे, आपको पूरा उसके कानून के बारे में बताया जाएगा। अगर जो आपको इस बारे में किसी बात से भी किसी पर असहमत नहीं है तो आपको पूरी सहमति दिलाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों ने इस बात का पूरा आश्वासन मिला है कि हम हर प्रकार से सहयोग करेंगे पुलिस का, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप जरूर से ज़रूर जाएं, इसका फायदा उठाएं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय नहीं देते क्योंकि हम मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मैं अपने आपको अपना फ़ोन नंबर छोड़ो, मैं आपसे खुद बात करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करा करो। आपका अपना चैनल है, आपका चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।